हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, उसमें आपको मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे ही किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आपको वीडियो को एकदम एंड तक देखना है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के बेसिस से। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड इतना करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप बीच में पॉज करके ही लाइक कर दीजिए। और गाइज, सबसे बड़ी बात ये, कमेंट करते रहिए और इसके साथ साथ मुझे फॉलो भी कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप मुझे फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि करंट के किसी कुछ टॉपिक्स पे मैंने ये वीडियो बनाई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जिन पे आज की ये वीडियो है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डीप पढ़ना है, इसलिए दो ही टॉपिक रखे हैं आज। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, वरना वन लाइनर करंट ही काफ़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है, वन लाइनर से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो है वो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी इसको लॉजिस्टिक कौशल सूचकांक भी बोल सकते हैं हम। तो क्या होता है ये LPI और ख़ासकर कौन लाता है इसे? तो देखिए, एक तरीके का ये सूचकांक है और इसको लाने का मेन काम जो होता है वो होता है विश्व बैंक का, यानी कि वर्ल्ड बैंक का। और आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। और ये जो विश्व बैंक है, ये इसका मुख्य काम ही यही है कि ये जितने भी इनके, यानी कि विश्व बैंक के अंडर में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको आर्थिक रूप से और उनका निर्माण के लिए सहायता करना ही विश्व बैंक का काम है। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और बहुत ही स्पेशल संस्था बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जो सूचकांक है ये जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा। और यहाँ पे दिए हुए हैं कि किन मापदंडों के आधार पर ये जो सूचकांक है, देखिए कुछ भी, कोई भी इंडेक्स होता है तो उसके लिए कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कुछ ना कुछ, कि इन सारी चीज़ों को जब वो पूरा कर लेगा तब वो हमारी इस कैटेगरी में आएगा। तो कुछ ना कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर ली जाती है, कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होता है, क्राइटेरिया होता है जिसको कंट्रीज़ को क्या करना होता है, पूरा करना होता है। तो उन्हीं के बेसिस पे ये LPI यानी कि ये इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो तैयार होती है। तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें निम्न मापदंडों को आधार बनाया जाता है। पहला क्या है, कस्टम सीमा शुल्क आधारित संरचना, यानी कि जो भी आपकी सीमा से रिलेटेड और कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है इस LPI को बनाने के लिए। फिर उसके बाद सेकेंड जो है, अंतर्राष्ट्रीय पोत लदान, यानी कि पोत लदान जिसको हम शिपमेंट भी बोल सकते हैं, तो ये शिपिंग से रिलेटेड है। यानी कि जितना भी आपके मतलब पोत वगैरह में चीज़ें रखी जाती हैं, माल वगैरह रखने का, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड है ये आपका शिपमेंट, यानी कि पोत लदान जिसको है ये, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाता है। उसके बाद देखिए लिखा है लॉजिस्टिक्स गुणवत्ता और सक्षमता, तो गुणवत्ता भी चेक करते हैं और सक्षमता भी चेक करते हैं, यानी कितने आप कितनी प्रचुर मात्रा में चीज़ें उपलब्ध करा पाते हैं। उसके बाद देखिए ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग इसका फोर्थ मापदंड है। और फिफ्थ में है समयबद्धता, यानी कि एक पंचुअलिटी, टाइम की पंचुअलिटी भी होनी चाहिए, यानी इतने टाइम पे आप किसी जो भी है उन चीज़ों को आप जैसे कोई भी सामान है तो इतने ही टाइम पे आप उसको पहुंचा देते हो, तो ये भी एक पंचुअलिटी जो है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो LPI की रिपोर्ट है ये बनती है। तो ये आपका ये इस बार भी बनी है रिपोर्ट और ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा लिखा हुआ है कि इसमें देखिए कितने देश लिए गए थे, 160 देशों की रिपोर्ट बनी थी टोटल। तो इस इंडेक्स में भारत को जो है वो मिला है 44वां स्थान, 160 में से 44वां स्थान मिला है इंडिया को। इसके साथ अब देख लेते हैं कि टॉप फोर्थ में कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो देखिए फर्स्ट फोर रैंक होल्डर जो हैं, पहली है उसमें जर्मनी, और सेकंड रैंक आई है स्वीडन की, थर्ड रैंक में है बेल्जियम और फोर्थ में है ऑस्ट्रिया। तो ये चार रैंक कंट्रीज़ की, इन कंट्रीज़ की होगी। अब चलिए देख लेते हैं कि चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ साथ अफगानिस्तान है, उसको कौन सी रैंक? तो क्योंकि अफगानिस्तान इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आखिरी रैंक मिली है, तो टॉप एंड आखिरी आप जानते हैं कि पता रखा जाता है,
तो ये जो अफगानिस्तान है वो सबसे आखिरी स्थान मिला है उसको, और चाइना जो है उसको मिला है 26वां स्थान। तो आप देख सकते हैं चाइना एंड भारत के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, और भारत को और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस पर। तो चलिए, ये हो गया हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स से रिलेटेड। अब देख लेते हैं दूसरी चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखा है, वो है ग्रीन महानदी मिशन। तो हम बात कर लें ग्रीन महानदी मिशन के बारे में। तो देखिए, आप जानते हैं महानदी एक नदी है, तो ये जो मिशन है ये उड़ीसा में लाया गया है, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि नवीन पटनायक, उन्होंने ही इस मिशन की शुरुआत की। तो क्या है ये मिशन, चलिए जान लेते हैं जल्दी से। देखिए लिखा है, ये मिशन उड़ीसा में प्रारंभ किया गया है। इसके तहत महानदी के तट पर 2 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। कुल मिला के महानदी को पुनर्जीवित करने का, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं हरियाली लाने का, ये एक अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। और उन 2 करोड़ वृक्षों को लगा के अगर उनकी देख रेख भी सही तरीके से की जाएगी तो बिल्कुल ही जो नदी है उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो 2 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके साथ अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है, मृदा अपरदन को रोकना। बिल्कुल ठीक, आप जानते हैं वृक्षारोपण से जो जो फ़ायदे होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वृक्षों को काटने से जो नुकसान होता है उससे बचाव करेगा। तो बिल्कुल, अगर हम वृक्ष काटते हैं तो मृदा अपरदन होता है, तो अगर यहाँ पे वृक्षारोपण होंगे तो मृदा अपरदन को रोकने में मदद मिलेगी। इसके साथ भूजल स्तर में वृद्धि करना, जो ज़मीन का स्तर, जल का स्तर है वो बढ़ेगा। तीसरा जो है वो है जैव विविधता का संरक्षण। बिल्कुल, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी होगी। एंड फिर ये है महानदी के अस्तित्व को बनाए रखना, तो पेड़ों से इसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो जो है, इसमें मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी थी, मुझे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रखने थे। ऐसे ही मैं लगातार वीडियोज़ लाऊंगी जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको वन लाइनर से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मिलेगा, और इसके साथ साथ जो वन लाइनर के आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। और जो बाकी वीडियोस आपको जिस तरीके मिल रही हैं जैसे हिंदी की, वो सारी भी आती रहेंगी। हो सकता है एक आध दिन के गैप में आए, पर आपको वीडियोस वो लगातार मिलती रहेंगी। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि मैं कोई वीडियो बीच में नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने उपसर्ग की वीडियो बनाई थी तो आपको उस उपसर्ग की मैंने दोनों वीडियो करके उपसर्ग पूरा कर दिया है। अब संधि की वीडियो बनी है, और संधि की वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, अब नेक्स्ट पार्ट भी आपको संधि की वीडियो का मिल जाएगा। तो बस गाइज, आपको इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं इसके बारे में। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।